वेलकम बैक। वी आर स्टार्टिंग अ वेरी लिटिल, यू कैन से अ फनी काइंड ऑफ स्टोरी। बट आपको पता है, व्हेन यू आर इन योर बोट्स, इवन द फनीएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट चैप्टर मे बी हैविंग द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन। दैट्स द यू नो आयरनी ऑफ क्वेश्चन पेपर। टुडे माई डॉटर वॉज टेलिंग, शी इज उसके फाइनल्स चल रहे हैं, तो शी वॉज टेलिंग कि मम्मा वी हैड अ क्वेश्चन जो मैंने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं ना पढ़ा। तो चैप्टर मे बी स्मॉल, इट मे बी वेरी चाइल्डिश, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं दे माइट नॉट बी द सेम। मैडम राइड्स अ बस, हर एक वर्ड में से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि वाई द गर्ल इज कॉल्ड एज मैडम। द स्टोरी इज अबाउट, मतलब ये बच्चे की क्यूरियोसिटी को लेकर है। द थीम जो है, इफ वी टॉक अबाउट, इट इज अबाउट क्यूरियोसिटी, अ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी, अ चाइल्ड्स मेटिकुलस नेचर। इट्स अबाउट क्यूरियोसिटी, इट इज अबाउट मेटिकुलस नेचर, इट इज ऑल अबाउट वेरी अलर्ट। पेपर में सारे थीम्स आपके हैं ये। तो ये जो चैप्टर है, दिस इज अबाउट अ चाइल्ड 8 साल की, बट वेरी शार्प, अलर्ट, मेटिकुलस, और पेपर में 6 मार्क का यही क्वेश्चन आया है, बहुत कॉमन। द चैप्टर इज अबाउट अ चाइल्ड हु गोज ऑन अ बस राइड विदाउट इन्फॉर्मिंग हर मदर बिकॉज शी वॉन्टेड टू राइड अ बस। एंड इसके लिए वो क्या करती है, इवन बिफोर राइडिंग, उसके सारे उसे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स होते हैं, शी गेट्स टू नो अबाउट ऑल दोज डिटेल्स। घर मतलब कि आसपास में जो भी लोग जाते हैं उनसे वो डिटेल्स लेती है, एंड उसको जो टॉफीज खरीदने के पैसे मिलते हैं, शी टेक्स अप दैट, उसको वो सेव करके रखती है, एंड अल्टीमेटली वो जो है एक दिन चुपचाप बस राइड करके आ जाती है। एंड दूसरा इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है, उसकी बस जर्नी को डिस्क्राइब करना कि जब वो यहां से जा रही थी तो व्हाट वर द थिंग्स शी ही सॉ, एंड वापस आते हुए उसने क्या देखा। तो दीज आर ऑल द थिंग्स, और ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। मैडम राइट्स अ बस। वल्ली, उसका पूरा नाम है वल्ली अम्माल, दिस इज अ साउथ इंडियन नेम, हु वाज वेरी मतलब कि क्यूरियस गर्ल, 8 साल की थी। एक्चुअल में जहां वो रहती थी वहां पर शी डिड नॉट हैव मच फ्रेंड्स, मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे। एंड इसीलिए वो क्या करती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ये उस टाइम में जब गांव में, आप लोगों ने देखा है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है कि जो कई गांव होते हैं जहां पर जो बसेस होती हैं वो बिल्कुल टाइम से आता है और टाइम से जाता है। इन माई फादर इन लॉस विलेज, मतलब आज क्या है 2024, 2024, इवन टिल डेट सुबह 5 बजे बस जाती है, दैट टू फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस। इट रीचेस अराउंड 6, 6:30, एंड मतलब कि अगर आपने वो बस पकड़ ली तो ठीक है, नहीं तो सीधा शाम को। इयर्स बैक हम लोग उनसे विजिट करने के लिए, वैसे तो दे यूज टू स्टे इन चेन्नई ओनली फॉर सम पीरियड, दे वर देयर, तो हम लोग उनसे मिलने गए थे। भाई यहां से चेन्नई हम 2.5 घंटे में पहुंच गए थे, बट वेन वी रीच्ड
चेन्नई टू दिंडीगुल इट वॉज 2.5 आवर्स, वहां से देर वॉज ओनली दैट हम लोगों को बताया कि टाइम से ही बस मिलती है, तो जाते हुए तो हम लोग को इतना कुछ पता नहीं था, तो हमने तो पहुंच गए थे, एंड वहां से कैब वैब तो मिलती नहीं थी. वी हैड टू वेट टिल 5:30 इन द इवनिंग टू कम बैक. ये वो टाइम है जब आपकी जो बसेस होती थी वो बिल्कुल टाइम से आते और टाइम से जाते. अभी तो क्या होता है, एक बस गई नहीं पीछे, दूसरी बस खड़ी होती है, एंड दैट टू इन द अर्बन एरिया, नॉट इन द रूरल एरिया. तो वो क्या करती थी, अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर मतलब जो भी चीजें आ रही है वही चीज देखती थी. और ये सब चीजें देखते हुए शी वॉज वेरी हैप्पी, और सबसे ज्यादा खुशी उसे मिलती थी विद द बस ट्रैवलिंग. उसको सबसे ज्यादा खुशी होती थी बस ट्रैवलिंग से, और वो बस में लोगों को देखकर, उनके आने को जाने को देखकर शी वॉज सो हैप्पी. शी यूज टू यू नो उनके चेहरों को वो पढ़ने की कोशिश करती थी. एंड सम टाइम्स व्हेन हर फ्रेंड्स वुड बी देयर और वो लोग कुछ बोलते थे, तो दे वुड बी मेकिंग यू नो मतलब उनको इंग्लिश तो बोलनी नहीं आती थी, बस कुछ भी दे वुड स्पीक अप. ओवर द पीरियड उसके दिमाग में ये बात आ गई कि उसको जो है ट्रैवलिंग में, मतलब उसको भी बस जर्नी में जाना चाहिए. ही हैड नेवर गॉन. तो उसने क्या किया, एक दिन मतलब जैसे लोग आते थे उनसे पूछती थी, एंड शी केम टू नो कि यहां से शहर जाने का 30 पैसा है, यानी टू एंड फ्रो इट इज 30 30 60 पैसा. एंड देन द बस का जो टाइमिंग्स है इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स, तो उसने पूरा राउंड अबाउट लगाया कि हाउ मच टाइम शी वुड रिक्वायर, हाउ मच मनी शी वुड रिक्वायर. अब वल्ली जो थी शी वॉज नॉट अ गर्ल जिसने फटाफट नहीं मुझे तो अभी चाहिए. उसने ओवर द पीरियड उसको जो पैसे मिलते थे फॉर ईटिंग एंड अदर थिंग्स शी जस्ट सेव्ड इट. उसने हर उस चीज से परहेज किया जो पैसा खर्च करता था. अल्टीमेटली शी गॉट द फेयर एंड शी ऑल्सो गॉट द टाइम कि उसकी मम्मी जो है नॉर्मली सोती थी दिन में, वो केयर नहीं करती थी उस वक्त में ये बाहर खेलने भी चली जाए तो. उसने जो है वो टाइम लिया फॉर मेकिंग हर जर्नी एंड शी टुक अ बस. अब बस में सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन पहला, मैंने टू मार्कर क्वेश्चन, पहले तो हम लोगों ने किया थीम क्वेश्चन. अब बस के अंदर जो है उसने देखा, जो बस ड्राइवर था, व्हाइल शी वॉज छोटी सी बच्ची थी, ड्राइवर ने हाथ दिया, शी सेड मैं अपने आप ही चढ़ जाऊं. अब बस ड्राइवर को थोड़ी हंसी आ गई. इवन दो वल्ली वॉज अलर्ट, स्ट्रेंजर को अपना हाथ नहीं दे रही थी, लेकिन बस ड्राइवर को उसके छोटे बचपन आप हंसी आई. फिर जब वो अंदर गई तो शी टुक द टिकट ऑल्सो, लेकिन क्यूरियोसिटी में वो खड़ी हो जाती और उसके साथ में जो अंकल थे वो उसको बोलते कि बैठ जाओ, उसको इरिटेशन भी होती. एंड मजाक मजाक में ड्राइवर उसको जो है, कंडक्टर जो है उसको मैडम बुला रहा, बिकॉज शी वॉज बिहेविंग. उसने कहा मैं 8 साल की हूं, मेरे पास आने जाने के चार्जेस, मेरे पास पूरे पैसे हैं, तो मुझे बच्चा मत कर. सो जोकिंगली ही कॉल्ड हर मैडम. आपका जो पहला यहाँ मैंने क्वेश्चन डाला है ना, व्हाई शी वॉज रेफर्ड एज मैडम. नाउ शी एंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट इन द बस, चाहे वो बस गड्ढे से जा रही थी, सामने ग्रीन फील्ड्स थे, एंड देर वॉज वन काउ जो उसको देखकर उसको इतनी हंसी आई, बिकॉज द काउ वॉज मूविंग अहेड ऑफ द बस, उनकी बस के आगे आगे चल रही थी. अब बस आवाज करती तो काउ बेचारी डर जाती और वो भागती. उसकी इन सारी चीजों को देखकर वल्ली वॉज सो हैप्पी. ऐसे करते करते शी रीच द टाउन जहां बस को एंड में जाना होता है. अल्टीमेटली सारे पैसेंजर्स नीचे उतर गए, बल्ली नहीं उतरी. कंडक्टर ने पूछा कि भाई तुम्हें नहीं उतरना, उसने कहा नहीं मैं इसी बस में वापस जाऊंगी, मेरे पास पैसे भी हैं. कंडक्टर ने कहा कुछ खा पी लो, शी सेड नो. कंडक्टर ने कहा मैं पिला देता हूं, शी सेड नो. देन
वापस का सफर। शुरू में तो शी वॉज वेरी हैप्पी, बट लेटर शी सॉ द काउ डेड, वही काउ जो अभी आते आते खुश थी। बच्चा यहां पर आपका एक क्वेश्चन सरमौन एट बनारस से भी रिलेट करके आ सकता है। आई रिपीट, देर माइट बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू सरमौन एट बनारस बिकॉज द चैप्टर सरमौन एट बनारस इज डीलिंग विथ डेथ। शी वॉज अपेयर टू सी कि वो जो काउ थी वो खून से लथपथ थी। इट वॉज हॉन्टिंग हर। एक मिनट पहले जो खुशी थी दैट हैड टर्न्ड इनटू सैडनेस। अब वो जो पहले उछल उछल कर जा रही थी, शी वॉज वेरी सैड एंड सैड डाउन। अल्टीमेटली उसका घर आ गया। शी थैंक द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा फिर कभी आना। एंड शी वेंट इन साइड। घर पर उसकी जो मदर थी शी वॉज टॉकिंग टू हर आंट। दो देवर टॉकिंग समथिंग, बड़े लोग बात कर रहे थे कि दुनिया में ऐसी कई चीजें जो हमें नहीं पता है। वल्ली ने एक मतलब लाइक अ चाइल्ड शी सेड यस देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी डोंट नो। उसकी जो आंट थी उन्होंने बोला देखो जरा बड़े लोगों की तरह हर बात पे नाक अपनी नाक घुसाती है। बट एक्चुअली देर वर टू थिंग्स विच वल्ली वॉन्टेड टू से। एक तो वो जो डेथ और दूसरा वो जो है विदाउट इंफॉर्मेशन टू हर मदर शी हैड गॉन फॉर दैट जर्नी। इसमें एक तीसरा क्वेश्चन जो आता है पेपर में वो है कि वॉज इट राइट दैट वल्ली हैड गॉन टू हर मतलब ऑन द जर्नी विदाउट हर मदर्स कंसेंट। राइट अ डायरी एंट्री, राइट अ लेटर, ये पेपर में आए हुए और मतलब कि क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चंस हैं। तो बच्चा पर्सनली आई टेल यू दैट इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। हम टिल वी आर विद अवर पेरेंट्स एनीवन हु इज देयर इट इज एक्चुअली अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन किसी को बताकर जाए। भगवान ना करे बट इफ समथिंग हैपेंस हु इज रिस्पॉन्सिबल। सो एक तरफ आपके पेपर में क्वेश्चन आता है सेकेंड क्वेश्चन वल्ली वॉज अ मेटिकुलस चाइल्ड। आपके बैक में ही है, अभी हम करेंगे चैप्टर देखना। यस मेटिकुलस मतलब कैलकुलेटिव, वेरी कैलकुलेटिव। उसने टाइम मनी जितना ड्यूरेशन सब कुछ उसने जो है शी हैड कैलकुलेटेड। लेकिन वल्ली वॉज इररिस्पॉन्सिबल ऑल्सो बिकॉज शी शुड नॉट हैव हिडन दिस फ्रॉम हर मदर। तो जो एक और क्वेश्चन आया था वो ये था। तो एक क्वेश्चन है वाई द कंडक्टर एड्रेस्ड हर एज मैडम। सेकेंड क्वेश्चन इज आपका वल्ली वॉज अ मेटिकुलस चाइल्ड। थर्ड उसकी बस जर्नी को डिस्क्राइब करो। फोर्थ वॉज इट राइट दैट शी हैड नॉट इन्फॉर्म्ड हर मदर। तो दीज आर फोर और फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से यही पांच क्वेश्चन रिपीटेडली आए और एट द एंड व्हेन शी सेड देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी डोंट नो व्हाट डज वल्ली मीन। वो तो ये आपके जो है कुछ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विथ एनसीईआरटी। द चैप्टर द स्टोरी इज रिटन बाय वल्ली कन्नन, अ वेरी फेमस स्टोरी राइटर। सबसे पहले ऊपर देखिए, दिस इज वन ऑफ द थीम विच यू कैन रिसीव इन योर एग्जाम। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी An 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also induction into mystery of life and death. As I said ki jo agla chapter hai sermon at Benares, it is very correlated to this. So yaad rakhna. There can be interspersed question. Matlab dono se milakar.
आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आप में से जिन्होंने मतलब कि कभी अलग से बस जर्नी की है छोटे बचपन में. आई हैव डन इट बट नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ माई मदर. मेरी मदर के कंसेंट के बिना तो मैं आज भी पत्ता नहीं हिलाती, आज भी नहीं हिलाती. और अगर गलती से हिल जाता है ना तो मेरी मम्मी मुझे फोन करके हिलाती है कि तूने बताया नहीं बताया नहीं. आई लर्न वन लेसन वेन आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड. मेरा एक्चुअल में मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत कम है, अब तो है ही नहीं. एट दैट टाइम ऑल्सो इन 11th आई हैड वन बेस्ट फ्रेंड एंड इन 12th स्टैंडर्ड आई हैड वन बेस्ट. बस 11th में जो थी वो बॉम्बे चली गई थी, जो 12th में आई थी ज्योति शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. आई इट वॉज इन 12th स्टैंडर्ड इन फैक्ट. तो नॉर्मली इन टिल 10th स्टैंडर्ड आई वॉज इन ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल. 11th एंड 12th आई डिड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम. सो आई वॉज देयर. तो जब मैं 12th में थी तो नॉर्मली हमारा छुट्टी होती थी 3 बजे, हाफ डे लंच. मोस्ट ऑफ द टाइम उस वक्त मैं खाना वाना नहीं खाती थी, तो हम लोग ऐसे ही या तो मैं और मेरी फ्रेंड बैठकर गाने गाते थे एक दूसरे के लिए, या फिर हम अपनी गप्पे लड़ाते थे वॉट एवर. एंड सम टाइम्स वी वुड गो आउट. तो उसी ने मुझे जो है ना पेप्सी की आदत डाल दी थी. तो वंस इट वाज लाइक आई वाज मतलब कि ऐसे पेप्सी पीने के लिए गई हुई थी. तो नॉर्मली हम अपने स्कूल के सामने जो सुपर मार्केट है वहां पीते थे. दैट डे वी और वी वर मेनी, हम 6-7 थे. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड कि चल हमारे घर तक चले, वहां पर हम पीते. वहां मेन मार्केट था, हम सब वहीं पे थे. मतलब देयर वर 6 गर्ल्स, वी वर 6 गर्ल्स. तो वन ऑफ माई नेबर्स ने मुझे वहां देखा, शी सेड टू हाय. मैंने भी हाय कहा. फिर मैं तो घर आती थी तो मम्मी को ऐसे ना, मेरा तो वैसे भी फ्लर्ट अभी भी वही आदत है दैट स्टिल नाउ अब मैं अपने बच्चों के साथ करूँ. तो आई टोल मम्मा आज पता क्या हुआ ना, मतलब कि कुलदीप ने कहा कि चल हम तू यहाँ पे चल ले, मैं मीनाक्षी. मम्मी ने कहा अच्छा फिर तूने क्या पिया. तो मैंने कहा मम्मी आज मैंने जूस पिया था. मम्मी अच्छा मुझे पता. देन जी सेड कि तुझे पता आज रूबी सेड रमा वॉज ड्रिंकिंग जूस. एंड आई सेड यस आई नो. कभी भी मुझसे बिना पूछे बिना मतलब मुझे बिना बताए या कहीं चले गए तो नेवर मिस दैट. बिकॉज When someone else tells this thing, so that becomes a suspicion. अगर तुम मुझे खुद बता देती हो तो that is trust. And believe me, class 10, वो दिन और आज, now I am mother of two grown up kids. Even till date, I tell everything. Means whatever is necessary, wherever it is necessary, whenever I am going somewhere, I keep informed everyone. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको हमारे बारे में बताना बहुत जरूरी है. सी व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड पापा की बड़ी आदत थी कि वी शुड वॉच मूवीज. एंड पापा का ये होता था कि कोई अच्छी मूवी होती थी स्पेसिफिकली अमिताभ बच्चन, तो ही वुड बी टेकिंग द उस जमाने में ऐसे ही ऑनलाइन वाला होता नहीं था. ही वुड गो टू मतलब जब वो खाना खाने के बाद अपने आप ही टिकट ले आते थे एंड ही वुड टेल दिस इज द डेट तुम्हें आना. मम्मा वॉज ऑल्सो वर्किंग तो ऑल द वे मम्मा और पापा हमें लेने के लिए नहीं आ सकते थे. आई हैड अ लिटिल सिस्टर वेरी क्रैंकी, तो उसको तैयार करके मम्मा वुड बी गिविंग मी एग्जैक्टली ऐसे पैसा गिन कर देती थी. एंड शी वुड से कि तुम्हें यहाँ से इस टाइम पर घड़ी रखनी है, यू शुड रीच द बस. और बस बिल्कुल टाइम से आती थी. 3:40 पकड़ना है, स्टेट्समैन उतरना है. देयर वी वुड बी देयर टू रिसीव यू. एंड दिस इज हाउ माई फर्स्ट जर्नी स्टार्टेड. अब मैं सोचती हूँ तो आई रियली फील माई गॉड आई वॉज लिटरली इन 6th स्टैंडर्ड. बट यस जर्नी बस जर्नी एवरीथिंग इज गुड बट वेन यू आर इन विद योर पेरेंट्स यू शुड इन्फॉर्म देम. इसका एक बहुत बड़ा मैसेज भी. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर अलोंग विद एनसीईआरटी.
There was a girl named Valli Ammar. Valli Ammar is a मतलब की तमिल नेम. Who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. ये जो वर्ड्स होते हैं ना क्यूरियस, इन सब से यू कैन हैव अ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लाइक दिस. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के चौखट पर खड़े होना, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज ऑल अबाउट शी हैड टू डू. और तो कोई काम था ही नहीं, और उस जमाने में वो वीडियो गेम या फिर आपके मोबाइल वाला तो था नहीं. माइट बी नाउ वल्ली माइट बी योर ग्रैंड मदर्स एज, बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. उसके लिए दिस वॉज मोर एंजॉयबल देन एनीथिंग एल्स, उसके लिए किसी भी गेम से बढ़कर था. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. नाउ वॉट कैन बी द अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस? शी कुड सी पीपल गोइंग ऑन, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं लोग, अलग अलग से हंसते हैं बोलते हैं. सो इट इज देयर एज यू नो क्यूरियोसिटी. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर, हर घंटे जाती थी. वंस एक बार जाएगी, गोइंग एंड वंस कमिंग. द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वर्ली. उसके लिए दैट वाज समथिंग वेरी क्यूरियस. अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग लोग जाते हैं, हु आर दे? डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली, एक बार आया था पेपर में कि तो उसके दिमाग में ये बात कैसे आई दैट शी वॉन्ट्स टू गो फॉर अ राइड. अ टाइनी विश क्रेप्ट इन टू हर हेड एंड ग्रू देयर. अ टाइनी विश क्रेप्ट इन टू हर विश, मैं यहां पर इट इज एक्चुअली परसोनिफिकेशन, मतलब उसके अंदर एक डिजायर आया. शी डिजायर एंड धीरे धीरे वो डिजायर बढ़ गया. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस, एक बार. दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. बच्चा, ओवरवेलमिंग मतलब ओवरफ्लोइंग, मतलब अनकंट्रोल्ड. यहां पर द मीनिंग इज अनकंट्रोल्ड. ओवरवेलमिंग होता है वेरी, बहुत ज्यादा. यहां पर इसका मतलब है अनकंट्रोल्ड डिजायर था उसके लिए. ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट. वनली वुड स्टेयर विस्टफुली. विस्टफुली मतलब बहुत लॉन्गिंग इन द सेंस की, बहुत डिजायरसली, चाव से एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर. बड़े चाव से देखती थी, कौन है ये लोग? जैसे हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं ना, हमारे लिए तो सेलिब्रिटी मतलब कुछ लोगों के लिए होता है ना, जब सेलिब्रिटीज आते तो एक वो हाउ दे आर, व्हाई दे आर, देयर फेसेस वुड किंडल इन हर. किंडल मतलब लाइट, लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, मतलब उनके चेहरों को देखकर उसकी ये जो डिजायर थी वो और ज्यादा हो जाती थी. हर डिजायर वुड इंक्रीज. ये नजारा देखकर उसकी जो उसके जो डिजायर थे वो ज्यादा हो गए थे. इफ वन ऑफ अवर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड. नाउ यहां पर पेपर में आता नहीं है, लेकिन इफ इट इज कमिंग इन योर आरटीसी, अगर आरटीसी में आता है तो डस प्राउड वर्ड हैज एनी मीनिंग? डस प्राउड वर्ड हैव एनी मीनिंग? नो. यहां पर उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, वो प्राउड प्राउड वैसे ही बोलते थे. नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग, बट दे ऑफन यूज इट एज अ स्लैंग इम्प्रेशन. स्लैंग मतलब ऐसे ही, जैसे वो हम लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में यूज करते हैं ना, विदाउट एनी
भी चीज के लिए जब हम डिसअप्रूव करें, अबे चल छोड़ना उसके लिए, तो दे यूज अ वर्ड प्राउड. यहाँ प्राउड का कोई मीनिंग नहीं है. रिमेम्बर, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली विजिटेड द बस, यूज द बस, एंड शी ऑल्सो आज अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हेयर एंड देयर. डिस्क्रीट मतलब, वैसे तो डिस्क्रीट होता है सीक्रेट, ठीक है, लेकिन यहां पर काम के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वे शी पिक्ड अप, आपके पेपर का क्वेश्चन है आपका कि वल्ली वॉज द मेटिकुलस गर्ल. मेटिकुलस मतलब जो बहुत सोच समझकर काम को करती. दिस वे शी पिक्ड अप स्मॉल डिटेल्स. कौन कौन से डिटेल्स थे? द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे एक तरफ, एंड विच इज ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब किसी से उसने सुना था, शी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, बट टू वल्ली हु स्केयर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ, इट सीम टू बी अ फ्यूज फॉर्च्यून. इसका मतलब क्या है? सम पर्सन सेड, किसी ने कहा था दैट 30 पैसा इज अ वेरी लिटिल अमाउंट, बट फॉर वल्ली इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट. बट फॉर वल्ली इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट, उसके लिए वो 30 पैसा भी बहुत बड़ी चीज थी. इट इज अ फॉर्च्यून, मतलब उसके लिए वो एक बहुत बड़ा, एक लॉटरी था. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स. ऑन रीचिंग इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30, शी कुड रिटर्न बैक ऑन द सेम बुक. यानी कि अगर वो 1 बजे की बस लेगी, 1:45 पहुंचेगी, एंड 15 मिनट वहां रुकेगी, फिर दोबारा 2 बजे निकलेगी तो 2:45 पहुंच जाएगी. शी हैड कैलकुलेटेड, रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड. दिस इज व्हाई वल्ली वॉज अ मेटिकुलस गर्ल. वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू मेन हाईवे. बस वो मुड़ ही रही थी कि अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज कमांडिंगली, रुको रुको करके कोई कमांड कर रहा था, एंड दैट वॉज वल्ली. द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, स्टॉप हुई, एंड द कंडक्टर स्टिकिंग इज आउट ऑफ द डोर सेट, हरी टेल हूएवर इट इज कम क्विकली. भाई और भी कोई है तो जल्दी आने के लिए बोलो. वल्ली ने बोला और कोई नहीं है, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन. बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेट, ओ रियली, यू डोंट से सो, अच्छा, सिर्फ तुम ही हो? यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन एंड हियर इज माई मनी. उसे पैसा दिखाया, छोटी बच्ची थी, देखो मेरे पास टिकट भी है. ओके ओके, बट फर्स्ट गेट, यू मस्ट गेट ऑन टू द बस. द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर आउट. अभी आपको मैंने बताया था कि उसने जो है हाथ नहीं पकड़ा था. नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी. अब वल्ली थोड़ा सा केयरफुल थी, उसने कहा भाई मैं अपने आप ही चढ़ जाऊंगी. द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट ऑफ फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओ प्लीज डोंट गेट मी एंग्री विथ माई फाइन मैडम, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड, मेक अ वे फॉर मैडम. अब वो जो कंडक्टर था वो थोड़ा मजाकिया था, तो उसने जो है बोला भाई हाँ, तुम तो बच्ची थोड़ी हो, तुम बड़े हो, चलो भाई मैडम को जगह दो. इट वॉज अ स्लैक टाइम. बच्चा, स्लैक का मतलब होता है जब आपका काम नहीं होता, दिन में ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, एंड देर वर ओनली 6 to 7 पैसेंजर्स. दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद कंडक्टर. जब उसे मजाक में बोला, वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, अवॉइडिंग एवरी वन आई, शी वॉक क्विंकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन. अब उसको शर्म आ रही थी, जाके बैठ गई. अब कंडक्टर ने मजाक में पूछा, मैम शुरू चले? Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar.
अब यहाँ पर अगेन इट इज परसोनिफिकेशन, मतलब इट मूव विद अ रोर, मतलब तेज चल पड़ी साउंड. इट वॉज अ न्यू बस पेंटेड आउटसाइड, पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड. इनसाइड ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर. जो ऊपर डंडियां थी वो अभी भी सिल्वर कलर की थी, और जो अंदर बाहर था वो भी नया था. विंडशील्ड जो आगे होता है वो भी एकदम नया था. देयर वॉज अ क्लॉक, सब कुछ बड़ा अच्छा था. सीट भी सॉफ्ट था, लग्जूरियस था. वल्ली डिवोर, डिवोर मतलब हर चीज को शी वॉज एडमायरिंग. डिवोर यहाँ पर मतलब एडमायर्ड, डिवोर मतलब एडमायर्ड एवरीथिंग विद हर आईज. बट शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड. ब्लाइंड होते हैं ना वो, ऐसे लंबे लंबे से पर्दे होते हैं जिनको हम खींचते हैं, तो वो आधा आ रहा था. तो वो खड़ी हो गई एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. वो ऊपर की तरफ देख रही थी. द बस वॉज गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनाल. द रोड वॉज वेरी नैरो. उस वक्त में बस जो है छोटे से कैनाल की तरफ से जा रहा था और रास्ता भी छोटा था, तो ऊबड़ खाबड़ था. ऑन वन साइड देर वॉज अ कैनाल, बियॉन्ड इट पाम ट्री, ग्रास लैंड, माउंटेन, सब कुछ था. देन देर वॉज अ डिच, एक पानी का डिच था. फिर ग्रीन फील्ड्स जितनी दूर, वो ये सब देखकर बड़ी खुश हुई. तभी किसी ने उसे बोला, लिसन चाइल्ड, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, ऐसे मत खड़े हो. उसको इरिटेट हो रहा था क्योंकि वो तो एंजॉय करना चाहती थी. सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर. वो बेचारे बूढ़े अंकल जो थे वो तो इस बेचारी बच्ची के लिए कंसर्न थे, लेकिन वो एनॉय हो रही थी. क्यों, वाई वाई शी वॉज एनॉयड. Because she was enjoying her ride, उसको बड़ा चिढ़ हो रहा था. There is nobody who is child. I have paid my 30 पैसा like everyone else. अब उसने जो है बहुत ही उसे बोला, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी 30 पैसे दिए हैं. The conductor chimed in, मतलब वो अंदर आए हंसते हुए. ओ सर, दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? आपको क्या लगता है कोई बच्चा अपने आप ही जा सकता है? नहीं जा सकता ना. आई रिमेम्बर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन. फिर उसने वल्ली को जो है गुस्सा आ गया, उसने कहा, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेम्बर दैट यू हैव येट नॉट गिवन माई टिकट. अब उसने जो है कहा, ओ अच्छा, हाँ मुझे याद है, मैं देता हूँ. सब हंसने लगे, वल्ली भी हंसने लग गई. द कंडक्टर पंच द टिकट. उस जमाने वो पंच करके टिकट देते थे. एंड उसको दिया, जस्ट जस्ट सिट बैक, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. अब उसने उसे समझाने की कोशिश की, भाई तुम खड़ी क्यों हो, जब मैंने तो पैसा दिया ना. उसने कहा, मुझे अच्छा लग रहा, बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वेन द बस मेक्स अ बम्प टर्न, शॉर्प टर्न एंड हिट्स अ बम्प, दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट ऑन. उसने कहा, भाई अगर बस उछलेगी तो तुमको चोट लग जाएगी, इसलिए बोला बच्चा. उसने कहा, मैंने बोला ना, नॉट अ चाइल्ड, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड. उसने कहा, अरे हाँ, 8 साल की मैडम. अब बस रुकी, बड़े सारे पैसेंजर्स आ गए. द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट. अब उसको डर लग रहा था कोई बैठ जाएगा, वो बैठ गई. अब उसके पास ये भी एक बार आया पेपर में, एन एल्डरली वुमेन केम एंड बिसाइड, आर यू ऑल अलोन? बेटा तुम अकेली हो? मतलब कि वो जो वुमेन थे ना, वो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसके दोनों कानों में इतने बड़े बड़े होल्स थे. शी हैड इन हर ईयर लोब्स सच अगली ईयर रिंग्स एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट. वो पान चबा रही थी और वो मुंह से आ रहे थे, तो उसको बहुत गंदा लग रहा था. तो शी फेल्ट वेरी रिपल्सिव. उसको देखकर उसको स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग थी. ओ, हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन? इससे कौन बात करेगा? यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, उसे थोड़े चिढ़कर बोला, कर्टली मतलब चिढ़कर. एंड आई हैव गॉट अ टिकट. देखा, हाँ ठीक है,
शी इज ऑन हर, कंडक्टर ने बोला हाँ भाई इसके पास टिकट है। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, उसने कहा भाई तुम अपना काम क्यों नहीं करते, और हंसने भी लग गई। बट द ओल्ड मैन वेंट ऑन हर ड्राइवल, इज इट प्रॉपर टू सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग, व्हाट्स द स्ट्रीट, वेयर इज द हाउस नंबर। वो बूढ़ी औरत को तो तमाशा था, उसने कहा पता है तुम्हें घर किसके घर जाना है, यू नीड नॉट बादर, आई कैन टेक केयर, और ये कहकर वो दूसरी तरफ देखने। ये आपके पेपर में जो आपको एक्सप्लेन करना है सारा आएगा, ठीक है। नाउ हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल पेन स्टेकिंग एलोबरेट प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट। यहाँ पर शी हैड टू मेक क्यों लिखा है, व्हाई दिस वर्ड इज रिपीटेड हियर, उसे बनाना पड़ा। एक हैड इज यूज एज वर्ब और दूसरा एम्फसाइज करने के लिए। शी हैड थ्रिफ्टली, थ्रिफ्टली मतलब बहुत सोच समझ कर, थ्रिफ्टली मतलब बहुत सोच समझ कर उसने व्हाट एवर स्ट्रे कॉइन, स्ट्रे मतलब जो भी उसके पास एक्स्ट्रा कॉइन्स आते थे, यहाँ पे स्ट्रे मतलब व्हाट एवर एक्स्ट्रा शी, रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय द पेपरमेंट टॉय बैलून, फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा। उसने हर छोटी अपने शौक को जो है दबा के रखा था। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली द डे एट द विलेज फेयर, शी हैड रेजोल्यूटेड, रेजोल्यूटेड मतलब धुन का पक्का, प्रॉमिस, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड, उसने जो है मेरी ग्राउंड में ना जाने की कसम खाई। उसके पास पैसा था लेकिन उसे पैसा किसके लिए बचाना था, फॉर द राइड। आफ्टर शी हैड इनफ मनी हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप ऑफ द हाउस, स्लिप ऑफ द हाउस मतलब टू गो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। इसमें आपका स्लिप ओवर, स्लिप ऑफ, स्लिप आउट ऐसे मीनिंग्स आते हैं, ठीक है। बट शी मैनेज दिस टू मच विदाउट मच डिफिकल्टी। एवरी डे आफ्टर लंच आवर मदर वुड नैप, नैप मतलब स्मॉल शॉर्ट स्लीप, नैप मतलब शॉर्ट स्लीप। वल्ली ऑलवेज यूजेस आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, एक्सकर्शंस मतलब फॉर हर आउटिंग, कहीं पर भी आना जाना हो, दैट इज वाई इट इज रिटन इन पैरेंथेसिस मतलब वो सॉरी इन द इनवर्टेड कॉमा। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन टू द विलेज, कभी वो बाहर बैठी रहेगी या कभी बाहर चली जाएगी। टूडे दी सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द, और वही टाइम जब उसकी मम्मी सोती है वो जा सकती है। द बस रोल्ड नाउ ऑन कटिंग अक्रॉस अ बेयर मतलब बिल्कुल खाली लैंडस्केप था, थ्रू अ टाइनी हैमलेट, छोटा सा गांव, हैमलेट मीन्स अ स्मॉल विलेज, और अ पास एन ओड और वे साइड शॉप, या कभी कभी रोड के साइड में कोई शॉप आ जाता। समटाइम्स इट सीम इट वॉज गॉबिंग अनदर व्हीकल, ऐसा लगेगा सामने से व्हीकल के ऊपर उछल के जा रही है, मतलब उसको निगल गई। गॉबिंग अप इज एग्जैजरेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब ऐसा लग रहा था वो दूसरे व्हीकल को निगल गई, क्योंकि वो सामने से जाती तो ऐसा लगता था वो व्हीकल अंदर आ गई है। और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चल रहा, बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल सेफली बिहाइंड। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर। हियर इट इज पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन, दोनों है आपके। ट्रीज वहां पर नहीं आ रहे थे, इट मीन्स दैट बस वॉज मूविंग इन अ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वेरी फास्ट, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जो पेड़ है वो चल के आ रहे हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली मतलब मच एक्साइटमेंट। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, उसकी पूंछ ऊपर की तरफ थी, वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। अब बस बेचारी को क्रॉल करना पड़ा, ड्राइवर जोर जोर से हॉन्क कर रहा था, बट द मोर ही हॉन्क द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम मोर फास्टर एंड इट गैलप, और वो और तेज तेज भाग रही थी। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली,
और वो इतना हंसी कि उसकी आंखों से पानी आ गया। हे लेडी, हैवंट यू लव्ड इनफ, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। कंडक्टर ने बोला, भाई इतना हंस रहे हो, कल के लिए कुछ बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। अब काउ चली गई, अब वो रेलवे क्रॉसिंग पे आए। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन एट द डिस्टेंस, ट्रेन की लंबी सी, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। मतलब दूर से ट्रेन छोटी लग रही थी, जैसे जैसे पास आ रही थी वो बड़ी लग रही। देन इट रश पास द क्रॉस गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस। जब ट्रेन पास से गुजरी ना, तो ऐसा लगा कि पूरी बस हिल गई है। रैटलिंग होता है झुंझुना। रोर एंड रैटल इज ऑनोमेटोपिया। यहां पर उसका कहने का मतलब है झुंझुना। ऐसा लगा पूरी बस हिल गई। फ्रॉम देयर इट ट्रांसफर्ड अ बिजी। अब बस वहां से जो है रेलवे स्टेशन, फिर शॉपिंग स्ट्रीट्स, फिर एक लंबा सा थोरोफेयर, आम रास्ता, वहां गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्केंडाइज। मर्केंडाइज मतलब गुड्स। सच बिग क्राउड, इतनी भीड़। स्टक डम विद वंडर, वो तो हर चीज को देखकर एकदम हैरान हो गई। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग। गेप मतलब घूर रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। अब कंडक्टर ने बोला, आरएंट यू रेडी टू गेट ऑफ, तुम्हारे 30 पैसा हो तो गए पूरे। नो, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। शी टुक अनदर 30 पैसा एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर। अब उसने पूछा, क्यों? नथिंग, आई फेल जस्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट इज ऑल। सो डोंट यू हैव टू लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर। शहर आए हो तो शहर देखोगी नहीं। ऑल बाय माई सेल्फ, अकेले, आई वुड बी मच टू अफ्रेड। अब कंडक्टर को समझ नहीं आया, बच्चा अकेले बैठ के आ गया तो उसे डर नहीं लगा, लेकिन शहर में घूमते हुए डर लग रहा। बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। उसने कहा, उसमें क्या डर है? वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड। ओ नो, आई कुडेंट डू दैट। उसने कहा, नाम मुझे नहीं कर। उसने कहा, मैं तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक लाऊं? नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। इट विल बी माई ट्रीट, दैट कॉस्ट नथिंग। उसने कहा, मेरी तरफ से। अब यहां पर अगेन शी वॉज वेरी अलर्ट। स्ट्रेंजर से उसने पैसा नहीं लिया। नो नो, प्लीज नो। द कंडक्टर श्रग्ड। उसने कहा, ठीक है। एंड दे वेटेड अंटिल द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। अगेन देयर वर मेनी पैसेंजर्स। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? अब उसने कहा, मेरे लिए कोई नहीं देखेगा, नो बडी। द बस स्टार्टेड अगेन, देर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ये वही काउ था, वो बेचारी नीचे मरी हुई थी, शायद किसी तेज गाड़ी ने मार दिया था। इज इन दैट सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑफ आवर ट्रिप टू टाउन? ये वही है ना? कंडक्टर ने कहा, हाँ। वो दुखी होगी। व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ वाइल्ड, यही आपका लाइफ एंड डेथ का जो टीचिंग है, लाइफ एंड डेथ की जो टीचिंग है। एंड लुक सो हॉरिबल, सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, लेट्स स्प्रेड ईगल, मतलब उसके पैर फैले हुए थे, उसकी आंखें खुली हुई थी, लाइफलेस आईज, ब्लड ऑल ओवर, सो पैथेटिक। मतलब थोड़ी देर पहले द काउ वॉज मेरिली मूविंग एंड नाउ शी वॉज लाइफलेस। द बस मूव्ड ऑन, द मेमरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। हॉन्टेड मतलब बार बार उसको परेशान कर रही थी, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, मतलब उसका जो वो जो क्यूरियोसिटी थी उसको उसने कम कर दिया था। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। शी सैट दस ग्लू टू हर सीट।
until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. She looked, turned to the conductor. "Well, sir, I hope to see you again." There was a conductor say, "Vida liya." "Okay, madam. Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't bring to bring your fare." उसे मजाक में बोला, अपने साथ अपना 30 पैसा भी लाना. She laughed and jumped down from this bus. Then went away. She went running straight for home. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of the Valli's aunt, जो उनके साउथ स्ट्रीट में, हमारे वहां साउथ में साउथ स्ट्रीट नॉर्थ स्ट्रीट ऐसा होता है. द ऑन वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, मतलब वो गॉसिप मॉन्गर थी, यानी कि गप्पे लड़ाने वाली. नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग. और उसने मजाक मजाक में पूछा, एंड वेयर हैव यू बीन. शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. और भाई कहाँ गए थे ऐसे जनरल में. सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद हर कन्वर्सेशन. मतलब उसने क्यों जवाब नहीं दिया? वॉज इट डिसरेस्पेक्ट? नो, इट वॉज नॉट अ डिसरेस्पेक्ट. वो जो आंट थी उनका, उन्होंने बहुत कैजुअली पूछा था. और भाई सब ठीक है से, इट वॉज नॉट सम सीरियस टॉक, इसलिए वल्ली ने जवाब नहीं दिया. ठीक है, यस यू आर राइट. मतलब वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मदर एंड आंट. सो मेनी थिंग्स इन आर मिड एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग. मतलब वो लोग ऐसी बात कर रहे थे, इतनी चीजें हैं हमारे पास, हमें नहीं पता. एंड इवन वी इफ वेन वी डू नॉट नो अबाउट समथिंग, वी डू नो अबाउट, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड कंप्लीटली. कुछ पता भी हो तो भी हम समझ नहीं सकते. और वल्ली ने बीच में बोला, ओ यस. तो मैंने कहा, क्या? ओ आई वॉज जस्ट अग्रिंग वॉट वॉट यू सेट, थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज. ये आपके पेपर का क्वेश्चन है. एक यहाँ पर वो जो गई थी टू द जर्नी, एंड दूसरा द लाइफ एंड डेथ. जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल, मतलब कितनी चिट ऑफ गर्ल, मतलब कितनी बातूनी है. हाउ गॉसिपिंग शी इज. चिट ऑफ अ गर्ल मतलब गॉसिप मॉन्गर, कितनी बातूनी है. एंड सी हाउ शी, कितनी छोटी सी है, जस्ट चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, एंड येट हाउ शी पोक्स हर नोक इन टू हर. देखो जरा कितनी पिद्दी सी है, कितनी पिद्दी सी है, येट शी इज अ गॉसिप मॉन्गर. जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे बहुत बड़ी हो. वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. वो किस बात से खुश थी? किस बात से खुश थी? हर जर्नी. बट देन देर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट, वॉज देर. और फिर किसको पता लगेगा? किसी को पता लगेगा? द सेम क्वेश्चन इज ऑल्सो, वल्ली वॉज अ मेटिकुलस गर्ल. बहुत कॉमन क्वेश्चन है. सो दिस इज द चैप्टर, मैडम राइड्स द बस. इसमें क्वेश्चन आता है, पहला जो मैंने बताया, व्हाई शी वॉज कॉल्ड एज मैडम. देन ये जो एंड में है, जो ये वाले क्वेश्चन है, कि वो कहती है कि देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी डोंट नो. वो जो उसकी स्माइल, उसका डीपेस्ट डिजायर, दीज आर ऑल टू मार्कर क्वेश्चन. ये रहा देखो, व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वल्ली एज मैडम, ये वाला. एंड देन आपका जो है, जो आपको एंड में बताया था, दैट इज द मैसेज, वी मस्ट ऑलवेज कन्फाइड इन आवर पेरेंट्स. और थीम आपका अलर्टनेस, क्यूरियोसिटी, मेटिकुलस नेचर, ये इसके जो है थीम है ऑफ द चैप्टर मैडम राइड्स अ बस. यू हैव सम फ्रेजेस, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर, पर्सोनिफिकेशन, ऑनोमेटोपिया, एलिट्रेशन काफी यूज हुए हैं. एंड दीज कैन बी देयर एज अ पार्ट ऑफ योर आरटीसीज में आ सकते.
इस चैप्टर से आप आरटीसी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे भोली और सरमोन आपका ज्यादा मतलब की है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, बट यू कैन एक्सपेक्ट राइट। दिस इज द चैप्टर मैडम राइट्स अ बस।